आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है और इस बार बदरपुर के पूर्वांचल वालों का तन मन धन से पूरी ताकत लगा करके झाड़ू की बटन दबाना है। आजादी के बाद से जो काम इस दिल्ली के अंदर नहीं हुआ, 5 साल एक बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दो, 5 साल में दिल्ली की भी तस्वीर और तकदीर बदल देंगे और बदरपुर वाले अपने पूर्वांचल के भाइयों की भी तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। 5 साल की रिकॉर्ड तोड़ ठंडी को जमा देने वाली ठंडी में आप पार्टी का यहाँ एक नुक्कड़ सभा हुआ, जिसमें आप पार्टी के जाने माने नेता गोपाल राय जी अपने बीमार अवस्था के बाद भी आए और कुर्सियों पर बैठ करके पूरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर गर्मी बढ़ करके बरसे। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सभी 3 व्हीलरों के ऊपर में तस्वीर लगी हुई है, जिसमें एक तरफ जगदीश मुखी है और दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल है, क्या ये फेस वार है, फेसबुक वार है, इन वार है, आउटपुट वार है, इनपुट वार है? नहीं, केवल एक वार है कि भाजपा की हिम्मत हो तो बताए उनका दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जो भाजपा गुमराह कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दो, उस झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश है। भाजपा को ये बताना पड़ेगा कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और दूसरे तरफ जगदीश मुखी हैं, जो पिछले 6 महीने से बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी को धरने पर बैठना पड़ा था, इसका क्या कारण है, इसका क्या निको लोग कहते धरना प्रदर्शन करने में बड़े बहादुर हैं? हम बहादुर हैं, धरना करने में बहादुर हैं और बेईमानी मिटाने में भी बहादुर हैं। बेईमानों को भगाने में बहादुर हैं और माँ बहन की इज्जत लूटी जाए तो अपनी गर्दन कटाने में भी बहादुर। भारत माता की जय। हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली को अगर रिश्वतखोरी से मुक्त करना है, दिल्ली में प्रवासियों के मान सम्मान की रक्षा करना है और बदरपुर वालों को ओजोन से मुक्ति पाना है, तो इस बार हाथ में झाड़ू उतार लो। बहुत बड़े बड़ों का बुखार झाड़ू उतार देते हैं। ओजोन खत्म करना, भ्रष्टाचार से मुक्त बदरपुर करना, ओजोन से बदरपुर को मुक्त कराना। दो बार इन दोनों विधायक को मौका दे चुका है और उस लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया है और अब की बार हमारे पास ऐसा मौका मिला है। नरेंद्र शर्मा जी को पूरे पूर्वांचल के लोगों में एकजुटता कायम है। नरेंद्र शर्मा जी की भारी बहुमत से जीत होगी। नरेंद्र शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे 10 साल छोटा हूँ और मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो जब मैं उन्हें देखता था तो इनके हमारे गांव में जो रहते थे, छोटे से हम गांव में रहते थे, तो बचपन में अलमारी में उनके मैं देखता था, जब पढ़ने की किताबें होती थी तो उनके बीच में किताबें होती थी देशभक्ति, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की किताबें। वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं शहीदों से जो शहीद हुए हैं हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। ओजोन से बदरपुर को मुक्त कराना नारायण जी का प्राथमिकता है। अगर ये विधायक यहाँ के बने तो सबसे पहला काम इनका ये होगा कि बदरपुर को ओजोन मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। कैमरा मैन अभिषेक के साथ में हरिशंकर तिवारी, मोबाइल न्यूज 24, बदरपुर, दिल्ली। नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। इस समय मैं ललित कला एकेडमी के 2री मंजिल पे हूँ। यहाँ पर चित्रकला और मूर्तिकला का जो है वो प्रदर्शनी लगा हुआ है। हमारे साथ में एक जानी मानी कलाकार हैं, सुनीता लांबा जी। सुनीता लांबा जी काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम करती रही हैं और ये जो आप बुद्धा देख रहे हैं ये इनका किया हुआ है, ये किस चीज़ का है और इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इन्होंने सोचा है, सुनीता जी बताएंगी। मैं एक्चुअली आर्ट लाइन में बचपन से हूँ और अभी 30 साल से स्कल्पचर कर रही हूँ और साथ साथ मेरा प्रोफेशन एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर रही हूँ, पर आर्ट मेरा बचपन से एक तरीके से फूड ऑफ सोल रहा है, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं पाती हूँ। मेरे लोग ऐसा होता है, हाथ मचलते रहते हैं, मन मचलता है कि वो मिट्टी हाथ में काम करना चाहिए। और आपने क्या क्या किया है हमारे दर्शकों को? ये मेरे अपना सेमी रियलिस्टिक फॉर्म्स हैं। मैं क्योंकि हम लोग फैमिलीज में रहते हैं, ह्यूमन रिलेशंस देखते हैं, तो उसको अपनी उस चीज़ को जो आजकल फैमिलीज में ख़त्म हो रही है, माँ बाप में, बच्चों में प्यार
और वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लव अफेक्शन। तो मैं अपने काम में उस मूड को, उस मोमेंट को कैप्चर करती हूँ। हम लोग जो इसको बनाते हैं, हम चाहते हैं आगे लोग आएँ, अप्रिशिएट करें इसको, हमारी कला को देखें, अप्रिशिएट करें और ख़रीदें। तो उससे क्या होता है, जो हम कला कर रहे हैं वो हमारी कला आगे बढ़े और उससे थोड़ी जो हमें अर्निंग होती है उससे फिर हम अपनी कला को ज़िंदा रख सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार मोहंती है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। अभी जो ये मैं चित्र बनाया गांधी जी के ऊपर, ये मैं गांधी जी को याद किया हूँ। याद करके ये दर्शाना चाहता हूँ, गांधी जी ने जब लवण सत्याग्रह में कुछ पदक्षेप लिए थे आइन तोड़ के अंग्रेज के विरुद्ध में, तो वो मैं दर्शाया हूँ। और जो कि अंग्रेज ने उनके ऊपर टैक्स लगा के काफ़ी महंगा कर दिया था, उसी चीज़ को उन्होंने विरोध करते हुए ये जो कष्ट सहे थे, मैं उसको थोड़ा सा याद किया हूँ। बम्बई से दिनेश कुमार परमार, एक्चुअल में गुजरात से हूँ लेकिन बम्बई में रहता हूँ। अच्छा, और वहाँ पे मेरा मतलब जीवन यात्रा उधर ही चलता है, तो पेंटिंग्स कर रहा हूँ मैं उधर। जो वुमन होती है विलेज की, उस पर मैंने पूरा वो काम किया है। ये फैमिली है, मतलब वुमन फैमिली, दो फैमिली है, ऐसा फार्मर फैमिली है। बुलो पावर, मतलब लेडीज और जेंट्स में इतना पावर है, मतलब बुल का भी क्या पावर नहीं है, इतना पावर है। आर्ट फ्रॉम द लास्ट 35 years आफ्टर माई स्टूडेंटशिप इन द फाइन आर्ट्स कॉलेज, आई डायरेक्टली एंटर्ड इन टू द रियलम ऑफ पेंटिंग। द प्रेजेंट सीरीज ऑफ माई वर्क, सी आई एम हैविंग इन माइंड ए थीम, नो मैन्स लैंड, बिकॉज सी a no man land exists in between two nations, in between China and India, between Pakistan and India, there is a no man's land. Likewise, it in the mind of each and every individual of individual develops it. ये मेरा नेचर बॉन्डिंग सीरीज है। नेचर बॉन्डिंग सीरीज में मैंने डिफरेंट एलिमेंट, जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, एनिमल, बर्ड, ह्यूमन, उनको ब्रेकिंग फॉर्म में प्रदर्शित करने की कोशिश की है अपने आर्ट के जरिए। ललित कला एकेडमी में चल रहे कला प्रदर्शनी में सुमिता जी के साथ आए कलाकारों ने अपने साथ पर्यावरण की रक्षा से लेकर के देश के अंदर चल रहे तमाम और दुनिया के अंदर चल रहे उलझनों को किस तरह से कैनवास पे उकेरा है और किस तरह से युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, इसको लेकर के सुमिता जी इस कला प्रदर्शनी में आई है। कहाँ तक ये लोगों को अपने ओर लुभा पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हर्षद अटवारी, ललित कला एकेडमी, दिल्ली।